हे वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट और चेंज रिंगटोन, यानी कि इस डिवाइस में कॉल रिंगटोन, नोटिफिकेशन टोन चेंज कैसे करें। दोस्तों, रिंगटोन सेट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको साउंड रिलेटेड काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिलेगा। पहले ये जो साउंड मोड दिख रहा है, यहाँ से आप अपने डिवाइस को रिंगिंग, वाइब्रेट या साइलेंट मोड में रख सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि कॉल आने पर हमारा फ़ोन वाइब्रेट हो, तो यहाँ वाइब्रेट वाइल रिंगिंग ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। रिंगटोन, यहाँ से आप सिम वन और सिम टू के लिए रिंगटोन सेट कर सकते हैं, और यहाँ से नोटिफिकेशन साउंड। तो सबसे पहले हम रिंगटोन सेट करना सीखेंगे। आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप सिम वन और सिम टू के लिए अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं। तो आप जिस सिम कार्ड पर सेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। यहाँ सैमसंग की तरफ से कुछ प्री इंस्टॉल रिंगटोन दी गई है। इनमें से आप अपना पसंदीदा कोई भी रिंगटोन चूज कर सकते हैं। अगर कोई नया बॉलीवुड सॉन्ग रिंगटोन बनाना चाहते हैं, तो पहले उस गाना को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद प्लस आइकन पर टैप करना है। यहाँ आपको अपने फ़ोन पर डाउनलोड की गई सभी गाने मिल जाएंगे। अब इनमें से उस सॉन्ग को ढूंढ लीजिए, या फिर यहाँ से उसका नाम फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, गाना पसंद होने के बाद डन करें। रिंगटोन सिम वन में सेट हो चुका है। यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। गाइज, इस तरह से आप सिम टू में भी रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन साउंड, नोटिफिकेशन टोन किस सिम कार्ड में चेंज करना चाहते हैं वो चूज कीजिए। फिर आपके सामने सैमसंग की तरफ से ढेर सारे नोटिफिकेशन साउंड चले आएगा। इनमें से आप कोई भी टोन सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम सेटिंग्स में जाके आप रिंगटोन, मीडिया वॉल्यूम, नोटिफिकेशन टोन और सिस्टम साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सिम वन और सिम टू का अलग अलग रिंगटोन सेट हो चुका है। इस तरह से आप हर एक कॉन्टैक्ट नंबर पर अलग अलग गाना सेट कर सकते हैं। इस फीचर्स को उपयोग करने के लिए सबसे पहले कॉन्टैक्ट ऐप ओपन करना है। आप जिस नंबर पर रिंगटोन सेट करना चाहते हैं उसे ओपन करके एडिट में जाइए। इसके बाद व्यू मोड पर टैप करके नीचे नीचे आना है। जो कॉन्टैक्ट नंबर सिम कार्ड में स्टोर हुआ है उसमें ऐसा फीचर्स नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दी गई है रिंगटोन, इस पर क्लिक करना है। फिर आप इनमें से कोई भी रिंगटोन उस कॉन्टैक्ट नंबर के लिए सेट कर सकते हैं। रिंगटोन सेट करने के बाद डन करें। अगली बार जब इसी नंबर से कॉल आएगा तब रिंगटोन बजते रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।